साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। तो साथियों फाइनली आप लोगों के पास पहले से न्यूज़ हो सकता है पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची है तो भाई मैं बता देता हूं। हालांकि ये वीडियो सुबह आना चाहिए था लेकिन सुबह नहीं आया, इस वजह से एक दिन ये लेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस कर दिया, आप सबको पता ही है कि 7 मई से स्टार्टिंग हो रहा है, तो 8 मई तक आपकी कंट्रियों में फ़्लाइटें पहुंच जाएंगी। शॉर्ट तरीके से बता दूंगा कि भाई कौन सी कंट्री क्या है, पूरी डिटेल बताऊंगा कितना पैसा लगेगा कौन सा कंट्री से। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो साथियों बता दूँ, 8 मई से लेकर 13 मई तक के बीच में, यानी ये मान के चलिए 64 फ्लाइट्स विशेष विमान तैयार किए गए हैं जो 12 कंट्रियों से 15,000 लोगों को रिकवर करेंगे, यानी 14,800 लोगों को एक सप्ताह के अंदर इंडिया लेके आएंगे। जी हां साथियों, सिर्फ 15,000 लोग ही पहुंच पाएंगे 7 दिन के अंदर। उनमें से मैं एक और बता दूं, जो जितने भी ऑनलाइन फॉरम रजिस्टर्ड हुए थे उनमें से 1,19,000 लोगों ने अपने खर्चे पे आने की समर्थता जताई थी कि हम अपने खर्चे पे आना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो बिना खर्चे के आना चाहते हैं उनके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। अब जो लोग आएंगे अपने पैसे पे आएंगे, 14 दिन जो इंडिया में रहेंगे वो भी अपने खर्चे पे रहेंगे। बाकी आपको पता ही है साथियों, फ़्लाइट में वही बंदा बैठ पाएगा जो स्वस्थ है, अगर उसको प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से रिटर्न हो जाएगा, फ्लाइट लेके नहीं आएगी। तो साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी कंट्री में कितनी फ्लाइटें जाएंगी, कौन सी कंट्री का कितना पैसा लगेगा फ्लाइट का जो गवर्नमेंट आपसे लेने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए ये ही देखना है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मात्र 2 से 3 मिनट का आगे रहेगा। देखिए मैंने नोट करके रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं साथियों, 64 विशेष विमान जाएंगे जो 12 देशों में 8 दिन में रिकवर करके लाएंगे 15,000 लोगों को। उनमें सबसे पहले सऊदी में जाएंगे 5 उड़ानें। जी हाँ साथियों, 5 फ्लाइट सऊदी में जाएंगी, इनका किराया है 25,000 रुपये फ्लाइट का किराया लगेगा। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं कुवैत। कुवैत में 5 फ्लाइट जाएंगी अगले 8 तारीख से 13 तारीख के बीच में, इनका किराया है 14,000 से 20,000 रुपये पर कैंडिडेट। आगे हम बात करते हैं कतर, बहरीन और ओमान, यहाँ पे 2-2 फ्लाइट जाएंगी, इनका खर्चा है लगभग इसमें 15,000 के करीब, 13,000 से 15,000 के करीब खर्चा पड़ेगा। यूएई का भी सेम है, यूएई में थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, लेकिन 10 फ्लाइट के करीब हैं क्योंकि यूएई के रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हुए थे आपको पता ही है साथियों। तो इनका किराया भी यही है 13,000 से 15,000 के बीच में, दुबई वालों की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं साथियों, यूएस से अमेरिका में फ़्लाइट का किराया है 1 लाख रुपीज़, यानी 1 लाख रुपये अगर वहाँ से कोई बंदा अभी के दौरान आता है तो। आगे हम बात करते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन में साथियों 7 फ्लाइट जाएंगी और अमेरिका में भी 7 फ्लाइट जाएंगी, ब्रिटेन का किराया है 50,000 रुपये पर कैंडिडेट। आगे बात करते हैं फिलीपींस, फिलीपींस से अगर कोई बंदा आता है तो 5 फ्लाइटें जाएंगी, 30,000 किराया लगेगा पर कैंडिडेट। मलेशिया से 7 फ्लाइटें लेके आएंगी अगले 7 दिनों में, इनका किराया है 20,000 रुपये। सिंगापुर से 5 फ्लाइटें लेके आएंगी अगले 8 मई से 13 मई के बीच में, इनका किराया है 18,000 से 20,000 के करीब इनका किराया लगेगा। और बांग्लादेश से भी लेके आएंगी, इनका किराया है 12,000 से 15,000 के बीच में, और नेपाल से भी लेके आएंगी, यानी ये 10-12 कंट्रियों के मैंने आपको बताएं साथियों। अब मैंने आपको बता दिया भाई कौन सी कंट्री में कितनी फ्लाइट जाने वाली हैं, कितना पैसा लगेगा। हालांकि ये पैसा गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से डिसाइड किया है, और इसके अलावा क्वारंटाइन जो 14 दिन होंगे उनका अलग से चार्जेज आपको देने होंगे, ये इन पे अलग से गवर्नमेंट, मैं वीडियो डालूंगा शायद कल डाल दूंगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो पैसा क्यों लेना चाह रही है, इसका रीज़न क्या है, लोगों का यहाँ का रिएक्शन क्या आ रहा है, उस मैटर पर भी हम बात करेंगे कल की डेट में। ठीक है साथियों, तो भाई किराया ये है मैंने आपको बता दिया है, कल की डेट में आपको मैंने बता दिया कि ये पहला वीडियो सुबह 7 बजे आएगा, फिर दोपहर 2 बजे आएगा कि कौन सी स्टेट के कितने बंदे आएंगे, और भी बहुत सारे कल के तीनों वीडियो आएंगे, तीनों वीडियो आप सर्च करना, एक साथ में सब वीडियो डालना संभव नहीं है, लोगों की खिचड़ी पक जाती है, समझ में नहीं आता। तो इम्पोर्टेंट बात थी कि भाई कौन से देश की कितने फ्लाइट जाएंगी, कितना पैसा लगेगा, ये आपका खर्चा आने वाला है। फर्स्ट 7 दिन में मात्र यूएई से 2,000 आदमी आएंगे, आगे वाले टॉपिक पे बात करेंगे कौन सी कंट्री से कितने बंदे पहुंचेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो मेरे हिसाब से साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी, अन्य साथियों को भी शेयर कर दे ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो कल के तीनों वीडियो ज़रूर वॉच करना, सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 7 बजे, ये वीडियो का टाइम रहेगा, तो आप सर्च करके निकाल लीजिएगा। आगे जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।